इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम नट एंड बोल्ट का एनिमेशन बनाएंगे। पिछली लेक्चर में हमने M10 का नट एंड बोल्ट बनाया था, आज हम उसे असेंबल करेंगे फिर एनिमेशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू पे क्लिक करें, असेंबली ओके। M10x30 का बोल्ट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम M10 का नट इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट कंपोनेंट्स पे क्लिक करें और M10 का नट इंसर्ट कीजिए। विजिबिलिटी वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे टेम्पोरली एक्सिस दिया गया है, इसे शो कीजिए। तो ये टेम्पोरली एक्सिस शो हो रहा है। अब हम इन दोनों में मेट लगाएंगे, तो मेट पे क्लिक करें, मेट सिलेक्शन वाले बॉक्स में क्लिक करें और फिर सेलेक्ट कीजिए यह एक्सिस और दूसरा ये एक्सिस और कोइंसिडेंट ओके। अब हम इसमें स्क्रू मेट लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें नट एंड बोल्ट का थ्रेड मैच करना होगा। हम सेक्शन व्यू से हाफ कट कर लेंगे, ओके कीजिए, नॉर्मल व्यू। अब हम नट एंड बोल्ट के थ्रेड का टीथ मैच करेंगे, तो इसे ड्रैग करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए मैच कर रहा है। अब हम स्क्रू मेट लगाएंगे, तो मेट पे क्लिक करें और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, मैकेनिकल मेट, और यहाँ पे स्क्रू मेट दिया गया है, इस पे क्लिक करें और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए। मेट सिलेक्शन वाले बॉक्स में क्लिक करें, थ्रेड के टीथ का फेस सेलेक्ट करेंगे और दूसरा ये एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए और डिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन पे क्लिक करें और इसका डायमेंशन 1.8 mm ओके कीजिए। और सेक्शन व्यू से बाहर आइए और इसे हाइड कीजिए। तो ये देखिए मैट लग गया इसमें। अब हम इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फिक्स करेंगे, तो इसमें डिस्टेंस मैट लगाएंगे। तो मैट पे क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए एडवांस मेट, और यहाँ पे डिस्टेंस मेट दिया गया है, इस पे क्लिक करें। तो हम मिनिमम डिस्टेंस 1 mm रखेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस 29.5 का, क्योंकि हमारे बोल्ट का डिस्टेंस 30 mm है। और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए और मेट सिलेक्शन वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए ये फेस और ये फेस और ओके कीजिए।
तो ये देखिए, ये हमारा मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएगा। अब हम इसका एनिमेशन बनाएंगे। नीचे की साइड तीन ऑप्शन दिया गया है, मॉडल, 3D व्यू, मोशन स्टडी। तो हम मोशन स्टडी करेंगे, तो मोशन स्टडी पे क्लिक करें और इसे एक्सपेंड कीजिए। पहले हम मोशन स्टडी प्रॉपर्टीज फिक्स करेंगे, फ्रेम्स पर सेकेंड 8 रहने देंगे, ओके कीजिए। स्टडी टाइम 12 सेकेंड रखेंगे, अब हम इसमें मोटर सेलेक्ट करेंगे, तो मोटर पे क्लिक करें। हमें नट को रोटेट करवाना है, तो हम रोटरी मोटर सेलेक्ट करेंगे और कंपोनेंट का डायरेक्शन वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए। तो हम इस एज को सेलेक्ट करेंगे और इसे रिवर्स कीजिए और ओके कीजिए और यहाँ से प्ले कीजिए, प्ले फ्रॉम स्टार्ट, इसे मिनिमाइज कीजिए। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसका प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। तो हम 2x कर देते हैं और इसे प्लेबैक मोड रेसिप्रोकेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे प्ले फ्रॉम स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए, स्पीड बढ़ गया। ये था नट एंड बोल्ट का एनिमेशन। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।